सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो को। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औजा के SPX 1210 और औजा के SPX 1510 दोनों ही टॉप के डिटेल और स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसे कि काफी सारे भाई लोग का भर भर के कमेंट आ रहा था कि हम औजा का दोनों में से कौन सा टॉप हम ले, तो गई सर आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम आप लोगों को बताएंगे और इसके ऊपर डिस्कस हम करेंगे। बट गई सर, दोनों ही टॉप में से कौन सा हमें टॉप लेना चाहिए, कौन सा टॉप किस काम के लिए अच्छे क्वालिटी के बजेंगे, और गई सर दोनों ही टॉप को चलाने के लिए कितने वाटेज का एम्पलीफायर हमें लगाना पड़ेगा, साथ ही गई सर दोनों ही टॉप का मार्केट में कितना हमें प्राइस देखने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत हमारे YouTube चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आप लोगों के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कहीं सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए गई सर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं औजा के PA स्पीकर सिस्टम के बारे में, जो कि औजा का पहला जो मॉडल नंबर है वो आप लोगों को SPX 1210 देखने को मिल जाएगा। और गाइस यार, औजा का जो दूसरा मॉडल का टॉप है वो आप लोगों को SPX 1510 देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, ये औजा का दोनों ही बेस्ट क्वालिटी का टॉप है, जो कि अभी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है। बहुत सारे साउंड सिस्टम वाले भाई लोग इन दोनों ही मॉडल को परचेस कर रहे हैं, जो कि SPX 1210 पुराना मॉडल का ये टॉप है, और गाइस यार जो SPX 1510 से ये टॉप है ये न्यू मॉडल का टॉप है। तो गाइस यार, औजा का ये न्यू मॉडल का टॉप है, जो कि फिलहाल ही में कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था, जो कि 2022 में ये वाला टॉप लॉन्च हुआ था। अब गाइस यार, दोनों ही टॉप का डिटेल और स्पेसिफिकेशन एक बार में समझेंगे स्क्रीन पे, तो हमें काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो गाइस यार, सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों ही टॉप के कैबिनेट के ऊपर, कि यहां पर दोनों में कैबिनेट में क्या क्या हमें फर्क देखने को मिल जाता है। तो गाइस यार, औजा का जो SPX 1210 है, इसका कैबिनेट कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके कैबिनेट में भी औजा का ब्रांडिंग यहाँ पर मेंशन किया जाता है। साथ ही गाइस यार, इसके आगे साइड में फ्रंट ग्रिल जाली पे औजा का लोगो भी यहाँ पर दिया जाता है। और गाइस यार, यहाँ पर अगर हम बात करें SPX 1510 के कैबिनेट के बारे में, तो यहाँ पर भी इसका भी कैबिनेट पे आप लोगों को फ्रंट साइड में औजा का लोगो देखने को मिल जाएगा। बट दोनों लोगों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, वो जो है ग्रीन कलर का है और गाइस यार ये जो है व्हाइट कलर का है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही गाइस यार, दोनों ही टॉप का कैबिनेट जो है काफी ज्यादा मजबूत है, जो कि आप लोगों को पता ही है कि औजा जो भी कैबिनेट बनाती है काफी ज्यादा हेवी बनाती है, और जो इसका कैबिनेट होता है काफी स्ट्रांग होता है, जो कि इसी के चलते इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छे क्वालिटी के निकल कर आता है। तो गाइस यार, स्पीकर डालते समय या स्पीकर लगाने से नहीं होता है, अगर आप लोगों का कैबिनेट का क्वालिटी बेकार रहेगा तो स्पीकर कितना भी आप लोग उसमें महंगा डाल दीजिए या अच्छे क्वालिटी के डाल दीजिए, वैसा क्वालिटी नहीं दे पाएगा। तो गाइस यार, स्पीकर के साथ साथ कैबिनेट का भी डिजाइन और उसका क्वालिटी शानदार होना चाहिए, जो कि औजा एक अच्छे क्वालिटी के स्पीकर बनाता है, साथ ही उसमें अच्छे क्वालिटी के कैबिनेट भी लगा कर देता है। तो नो डाउट औजा का जो कंपनी का फिटिंग टॉप होता है काफी अच्छे क्वालिटी के बजते, कोई दिक्कत नहीं होता है। बट गाइस यार, औजा का जो SPX 1210 मॉडल का जो टॉप है, इसका कैबिनेट MDF बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। और गाइस यार, जो औजा का SPX 1510 मॉडल का जो एक टॉप कैबिनेट है, ये आप लोगों को बर्च प्लाईवुड में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि औजा अब जितना भी प्रोडक्ट बना रही है, यानी टॉप यानी बेस आप लोगों को जितना भी देखने को मिलेगा, टोटल आप लोगों को बर्च प्लाईवुड में देखने को मिलेगा। काफी सारे भाई लोग का शिकायत औजा की तरफ से ये था कि इसका जो कैबिनेट होता है काफी ज्यादा भारी होता है। तो गाइस यार, भारी होने का रीजन यही होता है कि औजा पहले MDF बोर्ड का कैबिनेट बनाती थी, बट यहाँ पर औजा ने इसको अब छोड़ दिया है, अब केवल बर्च प्लाईवुड में कैबिनेट बनाना स्टार्ट कर दिया है। जो कि औजा का अगर 1000 वाट का एक नया बेस लॉन्च हो रहा है, वो भी आप लोगों को बर्च प्लाईवुड में ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही गई सर, ये जो पिछले साल कुछ ही महीना पहले लॉन्च हुआ था SPX 1510, ये भी आप लोगों को बर्च प्लाईवुड में ही देखने को मिल जाएगा। तो दोनों के क्वालिटी में कैबिनेट में ये वाला डिफरेंस है, जो कि बर्च प्लाईवुड कैबिनेट काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। अब चलिए गई सर, हम बात कर लेते हैं इसके कुछ टेक्निकल डिटेल के बारे में, कि SPX 1210 और SPX 1510 दोनों के अंदर कौन सा मॉडल का कितने वाट्स का स्पीकर यूज किया गया है। तो गाइस यार, यहाँ पर जो SPX 1210 मॉडल का जो ये टॉप है औजा की तरफ से, इसका पावर रेटिंग आप लोगों को 1000 वाटेज
देखने को मिल जाएगा और प्रोग्रामिंग पावर 2000 वाटेज दिया जाता है। यहीं पे गई सर जो औजा का SPX 1510 मॉडल का टॉप है, इसका पावर रेटिंग आप लोगों को 1300 वाटेज RMS देखने को मिल जाएगा और 2600 वाटेज प्रोग्रामिंग पावर है। तो गई सर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 1000 वाटेज से इसका जो पावर है 300 वाटेज ज्यादा है। और गई सर हम बात कर रहे हैं दोनों ही टॉप के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में, तो गई सर दोनों ही टॉप का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप लोगों को 35 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों ही टॉप का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस काफी ज्यादा सेम है। गई सर अगर हम बात करें स्पीकर के बारे में, तो गई सर SPX 1210 के अंदर 15 इंची का तो स्पीकर फिट किया गया है, जिसका वॉइस कॉल का साइज 4 इंची में देखने को मिल जाएगा। तो गई सर इस वाले टॉप के अंदर आप लोगों को 500 वाटेज का स्पीकर देखने को मिल जाएगा। और गई सर यहाँ पर जो SPX 1510 मॉडल का जो टॉप है, इसका स्पीकर 15 इंची का 2 इसके अंदर भी यूज किया गया है, जिसका वॉइस कॉल इसमें भी आप लोगों को 4 इंची का ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन गई सर जो SPX 1510 मॉडल का टॉप है, इसके अंदर 650 वाटेज का स्पीकर यूज किया गया है, और जो औजा का 1000 वाटेज का SPX 1210 मॉडल का टॉप है, उसके अंदर 500 वाटेज का स्पीकर यूज किया गया है। और गई सर दोनों ही टॉप का आप लोगों को सेंसिटिविटी 103 dB तक देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इंपीडेंस के बारे में, तो गई सर दोनों ही टॉप का इंपीडेंस आप लोगों को 4 ओम देखने को मिल जाएगा, जो कि 15 इंची का 8.8 ओम इंपीडेंस वाला दोनों ही टॉप के अंदर 2-2 स्पीकर फिट है पैरेलल कनेक्शन के माध्यम से, जिसके चलते 4 ओम इंपीडेंस का दोनों ही टॉप हो जाता है। काफी सारे लोग इसे यहीं पे गलती करते हैं कि टॉप का ओम मैचिंग सही से नहीं करते हैं, जिनके चलते उनके एम्पलीफायर से क्लिपिंग आने लगता है, यानी रेड लाइट जलने लगता है और उनका कनेक्शन रॉन्ग होता है, जिनके चलते एम्पलीफायर के मॉस्फेट वगैरह हीट होने लगते हैं, साथ ही गई सर स्पीकर के अंदर भी प्रॉब्लम होता है। तो इंपीडेंस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप लोग इंपीडेंस और इसके वाटेज को समझ गए और एम्पलीफायर के साथ मैच करना सीख गए, तो इजीली आप लोगों का सेटअप में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यह मैं दावा ठोक के कह सकता हूं। और गई सर अगर हम बात करें दोनों ही टॉप के नेटवेट के बारे में, तो गई सर औजा का जो SPX 1210 मॉडल का टॉप है, इसका नेटवेट आप लोगों को 69 kg 800 ग्राम देखने को मिल जाएगा। यहीं पे गई सर जो औजा का SPX 1510 मॉडल का जो टॉप है, इसका नेटवेट 76 kg 500 ग्राम देखने को मिल जाएगा। अब चलिए गई सर हम बात कर लेते हैं कि दोनों ही टॉप का मार्केट में कितना हमें प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो गई सर दोनों ही टॉप का मार्केट में इजिली अप्रोक्स प्राइस जो SPX 1210 है, इसका मार्केट में अप्रोक्स प्राइस 38,000 से 40,000 के बीच में देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है कि आप लोगों के मार्केट में इसका 1,500-2,000 ऊपर नीचे प्राइस देखने को मिले। तो गाइस आप लोग अपना मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हर मार्केट के हिसाब से हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग देखने को मिल सकता है। और गाइस सर यहीं पे अगर हम बात करें SPX 1510 मॉडल के जो टॉप है, इसके प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजिली 42,000 से 45,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सर इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए जो कि आप लोग समझ ही सकते हैं कि 300 वाटेज का ज्यादा ये टॉप है, ये ज्यादा पावर में आप लोगों का टॉप मिल रहा है, इसका आप लोगों को प्राइस भी ज्यादा पड़ेगा। बट गई सर ये कंपनी का फिटिंग टॉप है, इसलिए आप लोगों को इसका प्राइस थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन जो इसका क्वालिटी आएगा काफी ज्यादा शानदार आएगा। अब गई सर हम बात कर लेते हैं कि दोनों ही मॉडल को टॉप को चलाने के लिए हमें किस तरह का एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो गई सर अगर आप लोग एक एम्पलीफायर पे इस तरह का 4 टॉप चलाना चाहते हैं, तो इजिली अगर आप लोग औजा का SPX 1210 मॉडल के 4 टॉप चलाना चाहते हैं, तो इजिली आप लोगों के पास 2000 वाटेज 2 ओम पे स्टेबल एम्पलीफायर निकालकर पावर देगा, तो वही वाले एम्पलीफायर पे चला सकते हैं, जो कि औजा का LX45 वाले मॉडल को यूज कीजिएगा, 4 टॉप चलाने के लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन गई सर अगर हम यहीं पे बात करें SPX 1510 मॉडल का जो टॉप है, जो कि ये 1300 वाटेज का है, तो गई सर इसको चलाने के लिए अगर आप लोग यहाँ पर औजा का 1300 वाटेज का भी एम्पलीफायर यूज कीजिएगा तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन गई सर अगर आप लोग इसे थोड़ा और भी वाटेज का एम्पलीफायर ज्यादा यूज कीजिएगा तो काफी ज्यादा बेटर मिलेगा साउंड क्वालिटी। अब गई सर हम बात कर लेते हैं कि दोनों ही में से कौन सा टॉप अच्छा क्वालिटी के बजेंगे और कौन सा टॉप हमें लेना चाहिए। तो गई सर 1000 वाटेज का जो टॉप है वो काफी अच्छे क्वालिटी के बजेंगे। ये जो टॉप है आप लोग इसे डीजे में भी यूज कर सकते हैं और लाइव प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। यहीं पे गई सर जो औजा का SPX 1510 मॉडल का जो टॉप है, ये 1300 वाटेज का है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल स्पीकर लगा है। तो अगर आप लोग इस वाले टॉप को डीजे में केवल यूज करेंगे तो काफी अच्छे क्वालिटी के रिस्पॉन्स मिलेंगे, क्योंकि
डीजे में काफ़ी ज़्यादा बेस का काम होता है और लाइव प्रोग्राम में बहुत ही कम बेस का काम होता है। तो गाइस यार औजा का जो 1000 वाट का टॉप है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्टर है दोनों च्वाइस के लिए, और गाइस यार एम्पलीफायर के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा मैचिंग होगा। लेकिन अगर आप लोग हाई पावर का औजा की तरफ से एक टॉप यूज़ करना चाहते हैं डीजे के लिए, तो इजिली आप लोग एसपीएक्स 1510 के तरफ जा सकते हैं जो कि 1300 वाट का टॉप है। अगर आप लोग इसे कंपटीशन में 1500 वाट तक भी बजाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इजिली आप लोगों का आउटपुट काफ़ी शानदार मिलने वाला है क्योंकि औजा का कंपनी का फिटिंग टॉप है तो अच्छे क्वालिटी के आउटपुट मिलेंगे। बट गई सर दोनों ही टॉप का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे। अगर आप लोगों का मन में दोनों में से कोई भी टॉप को लेना है तो बेझिझक आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ये पैसा वसूल टॉप होगा क्योंकि गई सर दोनों ही टॉप काफ़ी ज़्यादा शानदार बजते हैं, काफ़ी सारे साउंड सिस्टम वाले भाई लोग यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आप लोगों के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कहीं सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं जिसका रिप्लाई मैं तुरंत ही देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।